हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ Miui टिप ऑफ द मंथ का एक और नया एपिसोड, जो कि यार काफी टाइम बाद लेके आया हूँ आज। तो वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेके एंड तक, एंड लास्ट में जैसे कि बार बार बोलता हूँ वन बोनस ऐप इज वेटिंग फॉर यू, तो पूरी वीडियो देख लेना। एंड वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं हम आपके लिए आज कौन सी थीम लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, साथ वाले घंटे को फोड़ दो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको ये वीडियो मिस ना कर दे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की पहली थीम आपको ये वाली देखने को मिल जाती है, एंड ये देख सकते हैं भाई इसका वॉलपेपर काफी ज्यादा कमाल का लगता है देखने में और काफी इंटरेस्टिंग लुक आता है। साथ में यार आइकन्स की बात कर ले तो वो भी काफी ज्यादा मिनिमल लुक आपके फोन को प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर हम बात करें भैया इसकी कंट्रोल सेंटर के बारे में तो वो यार काफी ज्यादा मस्त है, जैसे कि देख सकते हैं डिफरेंटली यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाता है जो कि काफी बढ़िया लगता है। एंड ब्राइटनेस स्लाइडर में वो जिगजैग वाला काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सेटिंग्स वगैरह के बारे में, तो अगर हम जहाँ चल जाए सेटिंग्स के ऊपर एंड यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप को आपको साइड वाले आइकन्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। नाउ अगर हम बात करें डायल मेन्यू के बारे में तो डायल मेन्यू आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। नीचे वाले बटन में चेंज किया गया है एंड ये वाला जो जगह है यहाँ पे ब्लू के अंदर ब्लर घुसा दिया गया है जो कि काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो भैया लॉक स्क्रीन आपको जिस टाइप की देखने को मिल जाती है, सिंपल सी है, ज्यादा कुछ खास नहीं, बट साइड में स्वाइप करेंगे तो कंट्रोल सेंटर वगैरह आ जाएगा, ऊपर स्वाइप करिए एंड आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। एंड ये थी आज की हमारी फर्स्ट थीम। इस थीम का नाम है ब्यूटीफाई, बस ब्यूटीफाई नाम है भैया, लिख देना प्ले थीम स्टोर पे और आ जाइए भैया थीम बिल्कुल मस्त तरीके से। तो भैया ये तो हो गई आज की हमारी फर्स्ट थीम, अब चलते हैं अपनी सेकंड थीम की तरफ। तो भैया ये आज की हमारी सेकंड थीम और आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है, iOS से इंस्पायर्ड कह सकते हो, iOS थीम नहीं कह सकते, iOS एंड्रॉइड मिक्स करके एक थीम बना दी गई है, कुछ इस टाइप का ही कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे विडजेट्स आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाते हैं, ऐसे स्क्वायर सर्कल टाइप में आते हैं बिल्कुल iOS वाले जो कि काफी बढ़िया लगते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले डायल वगैरह आइकन्स वगैरह के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइकन्स काफी ठीक ठाक है। उसके बाद यार वॉलपेपर यहाँ पे आपको iOS वाला देखने को मिल जाता है। डायल मेन्यू अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको गोले गोले देखने को मिलते हैं जिससे आप डायल कर सकते हैं, एंड नीचे वाले बटन को भी काफी अच्छे से कस्टमाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसके सेटिंग्स मेन्यू के बारे में तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, सेम ही है, इसमें कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया इसकी लॉक स्क्रीन वगैरह के बारे में, कंट्रोल सेंटर के बारे में, तो अगर हम चल जाए कंट्रोल सेंटर के ऊपर तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिलता है, फुल यहाँ पे ब्लरी लुक है एंड पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेडियंट वाले आपको आइकन्स देखने को मिलते हैं, मतलब किसी पे टैप करेंगे तो ग्रेडियंट आ रहा है। सपोज अगर हम इस पे करते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज है, जैसे कि देख सकते हैं हरा नीला, हरा नीला, और इस पे यहाँ फ्लैश लाइट में भी आपको हरा देखने को मिलता है, तो आई थिंक इसमें थोड़े बहुत डिफरेंट कलर्स होंगे, सब कुछ यहाँ पे ग्रेडियंट में है, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लुक आपके फोन को प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, तो लॉक स्क्रीन आपको इस टाइप की सिंपल सी देखने को मिलती है, कुछ खास नहीं बट स्वाइप डाउन एंड यहाँ पे आपके सामने आ जाते हैं कुछ कमाल के ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट कलर को आप डार्क लाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट रोटेशन बंद कर सकते हैं, टाइम, म्यूजिक, क्लॉक देखने को मिल जाती है, एंड आपको यहाँ पे ये सारे आइकन्स देखने को मिलते हैं जिससे आप पूरे फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये काफी बढ़िया लुक देते हैं। साइड स्वाइप करिए एंड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस टाइप का लुक जो कि स्मार्ट असिस्टेंट कह सकते हो, जो कि यार काफी ज्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड करता है फोन को, स्पेशली मेरे को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई। तो भैया ये तो हो गई है थीम और इसी टाइप की आपको थीम देखने को मिल जाती है। तो भाई आज की दो थीम्स हो गई एंड इस थीम का नाम है सैफरॉन 3। जाइए थीम स्टोर पर सर्च करिए और आपको ये थीम जरूर से मिल जाएगी। तो भैया अगर अभी आपको वीडियो पसंद आ रही है और ये थीम्स पसंद आ रही है तो फटाफट से आके वीडियो को लाइक मार दो एंड यार इस चैनल वाले को सब्सक्राइब कर लो और साथ वाले घंटे को फोड़ दो, नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी वरना, तो फोड़ना जरूर है। तो भैया अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले थीम के बारे में। तो भैया ये जो थीम है ये काफी ज्यादा आपको मिनिमलिस्टिक लुक देखने को मिलता है इसके अंदर, आइकन्स, वॉलपेपर, विडजेट कुछ भी ले लो, बिल्कुल यहाँ पे मस्त एकदम मिनिमलिस्टिक लुक आता है। और यार क्लॉक में देखो अलग ही सिस्टम बना हुआ है इसमें लगा है। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं भैया इसके अंदर क्या कुछ खास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विडजेट्स काफी ज्यादा बढ़िया है, तो ऊपर क्लॉक आती है, नीचे एनालॉग क्लॉक आती है, फिर यहाँ पे आपको मंथ और डेट लिखा हुआ है एंड साइड में आपको यहाँ पे वेदर भी दिया गया है जो कि काफी बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर ले इसकी सेटिंग्स डायलर वगैरह के बारे में तो अगर हम बात कर ले डायलर के बारे में तो वो आपको जिस टाइप का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अलग ही डिफरेंट क्रिएट कर रखा है जो बढ़िया लगता है एंड यहाँ पे आपको जो आइकन है इसको थोड़ा शेप में चेंज कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर ले आइकन्स के बारे में तो भैया यहाँ के आइकन्स काफी ज्यादा मिनिमल है, मेरे को बहुत पसंद आए।
उसके बाद नेक्स्ट चीज की अगर हम बात कर ले तो वो है इसका कंट्रोल सेंटर जो कि है कुछ इस टाइप का। एंड यार क्या कस्टमाइजेशन करिए, मतलब वाईफाई के आइकन में इन्होंने राउटर लगा दिया एंड ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। उसके अलावा मोबाइल डाटा में यहाँ पे इन्होंने पूरा वर्ल्ड लगा दिया, पैटर्न वाली रिंग लगा रखी, चल बढ़िया है। एंड यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस और काफ़ी सारे आइकन्स में चेंज है एंड काफ़ी सारे यूआई में भी चेंज किया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया लुक मिलते हैं आपके फ़ोन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेटिंग मेन्यू के बारे में तो वो आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है। साइड वाले आइकन्स में यहाँ पे चेंज किया गया है एंड ऊपर फिर से वही जो डायलर में था ब्लैक कलर का, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड कराता है फ़ोन को। उसके बाद अगर हम बात कर ले दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन के बारे में तो वो आपको इस टाइप की देखने को मिल जाती है, ये काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसमें क्लॉक देखने को मिल जाती है, साथ साथ यहाँ पे कैलेंडर आता है, फिर वेदर आ रहा है, फिर यहाँ पे भैया आपको गाना वाना प्ले कर सकते हैं यहाँ से, आई थिंक ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर से वेदर है और यहाँ पे कैमरा आ जाता है, तो ये काफी अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है आपके फोन को और ये कंट्रोल सेंटर जैसा लगता है थोड़ा बहुत, तो ये भी काफी अच्छी बात है। बाकी ऊपर स्वाइप करिए एंड आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो भैया यही थी आज की टॉप 3 थीम्स MIUI थीम ऑफ द मंथ के अंदर। तो अगर आपको आज की वीडियो वेट ऐप भूल गया, तो भैया यहाँ पे अगर हम बात कर ले आज के एप्लीकेशन के बारे में तो उसका नाम है वन शेड एंड कहाँ है ये रहा, तो भाई वन शेड नाम का ऐप देखने को मिल जाता है। अगर आपको सैमसंग का स्टेटस बार पसंद है तो यार आपके लिए ये ऐप है, तो ठीक है इसको यूज करने के लिए मैं ऑफ करता हूँ, अभी ऑन करते हैं वापस से। डाउनलोडेड सर्विसेज वन शेड ऑफ स्टॉप ऑन अलाउ, तो अगर हम चल जाए यहाँ पे अब तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, तो कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे नीचे स्वाइप करिए एंड यहाँ पे आपके सामने पूरा सैमसंग का कंट्रोल सेंटर नहीं मतलब स्टेटस मेन्यू आ जाएगा जो कि फोन को एक काफी बड़े लुक प्रोवाइड कराता है। लेआउट में अगर आप चले जाएंगे और अगर आपने प्रो फीचर्स खोल लिए तो आप इसमें काफी चीजें अनलॉक कर सकते हैं एंड काफी बढ़िया क्लॉक बना सकते हैं, क्लॉक नहीं मतलब स्टेटस बार, लेफ्ट लेफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये वन यू आई 2.0 वाला आ गया फीचर। तो इस टाइप से आप यहाँ पे पूरी तरह से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और एक मस्त सा इसको लुक दे सकते हैं। सपोज अगर हम यहाँ पे जाके इसको भैया डार्क कलर्स करते हैं तो ये यहाँ पे डार्क थीम भी ऑन हो जाती है, ऑटो डार्क मोड है, यहाँ पे जाके हम डार्क मोड ऑन करना पड़ेगा एंड आपके जो ये स्टेटस बार है डार्क मोड में आ जाएगा। तो भैया ये काफी ज्यादा बढ़िया लुक प्रोवाइड कराता है आपके फोन को अंदर और इसका नाम है वन शेड। इसको डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर लिख दीजिए वन शेड और आ जाएगा और एकदम मस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी आज की जितनी भी थीम्स मैंने आपको बताई हैं अगर उनके लिंक्स मेरे को मिल गए तो यार मैं अपनी ब्लॉग पे अपडेट कर दूंगा और नई इन थीम्स के जो नाम है वो सारे आपको ब्लॉग के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, तो जाइए फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड जाके थीम्स यूज कर लीजिए और ब्लॉग भी पढ़ लेना थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ लो। और खत्म करते हैं फिर आज की वीडियो को एंड इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मेरे को फॉलो नहीं मारा है तो जाके आप फॉलो मार लो अभी के अभी, वहां भी काफी कॉन्टेंट मैं डालता रहता हूँ एंड साथ ही साथ ट्विटर पर भी कर लो फॉलो, क्यों नहीं है ना। तो बस खत्म करते हैं आज की वीडियो का, मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड व्हाट्स ऑन माय फोन की वीडियो कल या परसों लॉन्च कर दूंगा तो देखना मत भूलना एंड टॉप 3 लॉन्चर्स पे वीडियो डालती मैंने कल तो वो भी देख लो जाके, ठीक है चलो बाय बाय।